A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Winds, Storms and Cyclones. So, इस chapter में हम last lecture में हमने पढ़ा था कि winds क्या होती हैं. Winds जब तेज चलने लगती हैं, जब वो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने लगती हैं, तो वो बना लेती हैं क्या? Storms, okay. और जब storms के साथ पानी गिरने लगता है, जब तूफान आता है, पानी गिरने लगता है, बिजली कड़कने लगती है, तो वो बन जाता है थंडर स्टॉर्म. ओके, क्या बन जाता है? थंडर स्टॉर्म. थंडर का मतलब होता है बिजली. ओके, जब बिजली कड़कने लगती है, सॉरी, जब बिजली कड़कने लगती है तो थंडर स्टॉर्म आते हैं. ओके, और तीसरा है क्या? साइक्लोन्स. जब थंडर स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप लेकर के गोल गोल घूम करके पूरे एरिया को तबाह करने लगता है, तो वो बना लेता है साइक्लोन. साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटिंग, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है. आप लोगों ने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी उसमें आप लोगों ने पढ़ा है. ओके, जो उड़ीसा में हुआ था कि विद इन अक्टूबर में हुआ था, तो अक्टूबर में विद इन 10 डेज दो बार साइक्लोन हिट किया था उड़ीसा को, और दोनों बार उसने ऐसी बर्बादी की थी कि उड़ीसा जो है पूरी तरह से तबाह हो गया था. ओके, खासकर उड़ीसा का कोस्टल एरिया, लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे, 45,000 घर ख़त्म हो गए थे. तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा विनाशकारी रहता होगा साइक्लोन. ओके, तो चलिए अब हम थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में वो पढ़ लेते हैं जो हमारी बुक में लिखा हुआ है. Thunderstorm develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे हमारा इंडिया, यहाँ पर गर्मी पड़ती है ज़्यादा. क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है. इंडिया जो है हमारा, वो इक्वेटर लाइन के जस्ट ऊपर है, तो सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे. ओके, तो जिसके कारण जो हमारा इंडिया है वो हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल है. ओके, ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिक्स में प्रेजेंट है. ट्रॉपिक्स कौन सा एरिया होता है? जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, यानी इक्वेटर के पास वाला एरिया. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लैंड जल्दी गर्म होता होगा, यहाँ का इंडिया की जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म होती होगी. ज़मीन के ऊपर की जो हवा है वो भी जल्दी गर्म होती होगी. वो हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पर. आसपास के एरिया से जो ठंडी हवाएं हैं वो तेज़ी से उस लो प्रेशर एरिया की तरफ भागती हैं. ओके, और जब वो लो प्रेशर एरिया इतना कम होता है, जो वहाँ पर प्रेशर इतना कम होता है कि जो तेज़ी से आती हुई हवाएं हैं वो घूम जाती हैं, वो घूम करके गोल गोल घूमते हुए ऊपर चली जाती हैं. ओके, तो यही बना लेता है क्या? साइक्लोन. ओके, दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. ये विंड क्या करती हैं? जो पानी की बूंदें हैं उनको ऊपर उड़ा ले जाती हैं. अगर ये विंड समुद्र के ऊपर हैं तो ये पानी की बूंदों को ऊपर उड़ा करके ले जाती हैं. ठीक है, वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. तो वहाँ पर ऊपर जा करके ये फ्रीज हो जाती हैं. फ्रीज मतलब बादल बना लेती हैं. ओके, और बारिश के फॉर्म में फिर से गिरती. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. जो बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है गिरते हुए पानी का, जिसके साथ बिजली भी कड़कती रहती है, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. ठीक है, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों का गिरना, अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर, हवा के उठने के साथ साथ, राइजिंग एयर के साथ साथ, क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड. ये लाइटनिंग और साउंड पैदा कर देता है. इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म. ये वही इवेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. ठीक है, यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. आप बिजली के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अब जब स्टॉर्म आता है तो क्या करना नहीं चाहिए या क्या करना चाहिए? ओके, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमने कल पढ़ा था. अब हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है वो हमें पढ़ना है. You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. पानी को अगर भाप बनाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, ये आपको पता है. गैस पर पानी को रखते हैं आप, जब गैस ऑन करते हैं तो गर्मी निकलती है.
आग निकलती, उस आग के कारण गर्मी पैदा होती, गर्मी के कारण पानी उबलता है और पानी उबल करके धीरे धीरे क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। ओके, तो ये तो बात सिंपल है कि अगर पानी को भाप बनाना है, वाटर को वाटर वेपर बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी। ओके, डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, क्या पानी जो है वो हीट वापस देता है जब वेपर लिक्विड में कंडेंस होता है? चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ काम एरिया, साइक्लोन जो चक्रवात होता है, जो हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं, तो उस उन हवाओं के, उन गोल गोल घूमती हुई हवाओं के, आपने छोटे अमाउंट में देखा होगा उसको बवंडर, ठीक है, तो बवंडर जो होता है, तो बवंडर के जो सेंटर का एरिया होता है, जो साइक्लोन के सेंटर का एरिया होता है, उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ओके, यहाँ पर बना है डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए आई कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई। ओके, तो ये साइक्लोन के सेंटर का एरिया है। ओके, तो आसपास से आने वाली हवाएं इसके इस आई के किनारे किनारे घूम करके ऊपर चली जाती हैं। ओके, इस आई के किनारे किनारे घूम करके ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। अ लार्ज साइक्लोन इज वॉयलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, एक जो बड़ा साइक्लोन होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूमता हुआ एक एयर का मास होता है, मतलब बहुत सारी हवा बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर हाई होता है, सोचिए अब कितना ऊंचा होता होगा ये। ओके, द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 टू 30 किलोमीटर्स, जो आई का डायमीटर होता है, जो सेंटर वाला एरिया होता है जहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही होती है, उसके किनारे किनारे हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो जो सेंटर का एरिया होता है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई हवा नहीं होती है, उस एरिया को बोलते हैं आई, और उस एरिया का जो डायमीटर होता है वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर होता है। ओके, इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स, ये जो सेंटर एरिया होता है जिसको हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, उस रीजन में क्लाउड्स नहीं होते हैं, ये फ्री ऑफ क्लाउड्स होता है और हल्की हवाएं चलती हैं यहाँ पर, लाइट विंड्स। ओके, अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई, इस काम और क्लियर आई के पास देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर्स इन साइज, इस आई के बाहर लगभग 150 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर रेडियस का बहुत ही खतरनाक एरिया होता है जहाँ पर बादल, हवा, पानी, बिजली सब एक साथ मिलकर के घूम करके तबाही मचाते रहते हैं, ठीक है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, इस रीजन में बहुत ही हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ी से चलने वाली हवाएं होती हैं, कितनी तेज़ी से, लगभग 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर, एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और थिक क्लाउड्स होते हैं यहाँ पर, और रेन कैसी होती है, हैवी होती है, ठीक है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इस रीजन से दूर, इस एरिया से दूर जो विंड की स्पीड होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। बिफोर द क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्लाउड फॉर्मेशन के पहले पानी जो है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, ठीक है, वेपर में चेंज करने के लिए जो पानी है वो एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, जब वाटर वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर जाते ही जो गर्म हवाओं के झोंके हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर जैसे ही जाते हैं तो ऊपर ठंडी हवा बह रही होती है, बहुत ऊपर आसमान में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, ओके, तो उस कम टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में जब ये गर्म हवाएँ आती हैं तो वो गर्म हवाएँ ठंडी होकर के क्या बन जाती हैं, वाटर वेपर बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, वाटर वेपर बन जाती हैं। ओके, व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स दिस हीट इज रिलीज इन टू द एटमोसफेयर, जैसे ही वाटर वेपर रेन ड्रॉप्स बनती हैं तो वो हीट जो रिलीज होती है, जो हीट रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, जिससे आसपास का जो एरिया होता है वो गर्म होता है वापस, जो आसपास का एरिया होता है वो क्या होता है, वापस से गर्म हो जाता है, ठीक है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर,
ये एयर राइज होती है, ऊपर जाती है, और जिससे क्या होता है, प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ओके, प्रेशर कम हो जाता है, सॉरी, ऊपर जाती है और प्रेशर जो है लैंड का वो कम हो जाता है. ठीक है, मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा हवा स्टॉर्म के सेंटर की तरफ आती जाती है. ठीक है, ये साइकिल रिपीट की जाती है. एंड द चेन ऑफ इवेंट्स एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ पर हवाएँ बहुत तेज़ी से घूम रही होती हैं एक जगह पर. ठीक है, और धीरे धीरे करके वो घूमती हुई हवाएँ और ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर देती हैं. ठीक है, और वो घूमती हुई हवाएँ किस तरफ जाती हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाती जाती हैं. ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. ये वेदर की, ये मौसम की ऐसी स्थिति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स. कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें साइक्लोन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई साइक्लोन्स. अब साइक्लोन्स कितनी तबाही मचाते हैं उसके बारे में पढ़ना है. साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन्स बहुत तबाही मचाने वाले हो सकते हैं अगर वो लैंड की तरफ आ जाएं तो, है ना. पानी से जब वो ज़मीन की तरफ आते हैं जहाँ ज़मीन में लोग रहते हैं, तो साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड पुशेज वाटर टूवर्ड्स द शोर. जो मजबूत हवाएं होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, वो वाटर को शोर की तरफ लेकर जाती हैं. ठीक है, सतह की तरफ लेकर जाती हैं. इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर अवे, अगर स्टॉर्म 100 किलोमीटर दूर है तो भी. ओके, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन. ये पहला इंडिकेशन होता है एक साइक्लोन, एक आते हुए साइक्लोन का. ठीक है, द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड्स आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम. जो वाटर वेव्स होती हैं साइक्लोन से आती हुई, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि जो इंसान है वो उसको सामना नहीं कर सकता है. ठीक है, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर. जो लो प्रेशर होता है जो साइक्लोन के सेंटर में होता है, वो पानी को सेंटर की तरफ लेकर जाता है. द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3 to 12 meters. पानी लगभग 3 से 12 meter ऊपर उछल जाता है. ओके, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल. ये पानी की दीवार की तरह दिखता है, और इसी को हम सुनामी बोल देते हैं कभी कभी. एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज. एज अ रिजल्ट जो सी वाटर होता है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज की तरफ आ जाता है, कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का सीवियर लॉस हो जाता है. इट ऑल्सो रिड्यूसेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है. कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में बी फर्दर वर्स इन द फ्लड सिचुएशन. जो बाढ़ आई है आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने से, तो अगर रेनफॉल कंटिन्यू रह गई, रेनफॉल अगर होती रह गई, तो बारिश जो है वो बहुत ही भयंकर बाढ़ का रूप भी ले सकती है. ठीक है, हाई स्पीड विंड्स एकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस. जो तेज़ चलने वाली हवाएं हैं वो घरों को भी तबाह कर सकती हैं. टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ट्रीज एक्सेट्रा, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है लाइफ और प्रॉपर्टी की. ठीक है, अ साइक्लोन इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द वर्ल्ड. साइक्लोन अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग एरिया में. जैसे हरिकेन इसको बोला जाता है अमेरिका में, अमेरिका में इसको क्या बोला जाता है, हरिकेन. ये अमेरिका है. ठीक है, ये जो यहाँ पर येलो येलो दिख रहा है आपको, ये अमेरिका है. ओके, तो हरिकेन इसको कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में. ठीक है, फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं. फिलीपींस और जापान में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं. ठीक है, ये जो एरिया है ये अमेरिका है. यहाँ पर देखिए आप, हरिकेन लिखा हुआ है. ठीक है, ये जो एरिया है ये अमेरिका है. ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है. तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर. अब टॉर्नेडो क्या होते हैं, टॉर्नेडो ऐसे तूफान, ऐसे चक्रवात होते हैं जो अपने अंदर चीज़ों को खींचते हैं, जो बड़ी बड़ी कार्स को, बिल्डिंग को, पेड़ों को अपने अंदर खींच करके उखाड़ देते हैं. तो एक मीटर जितना भी हो सकता है, और
कई किलोमीटर जितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट, जो टॉर्नेडो का जो फनल होता है वो डस्ट को, जो कचड़ा होता है, डेबरिस होता है, मलवा होता है, उसको सक करता है अपने अंदर, ठीक है, लो प्रेशर के कारण, ठीक है, और सक करके बाहर फेंक देता है, सक करके बहुत तेजी से बाहर फेंक देता है, ठीक है। आई सॉ द क्लाउड्स कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर, ये एक इंसान की ज़ुबानी यहाँ पर लिखी हुई है, एक इंसान ने बोला मैंने बादलों को आते हुए देखा और अपने घर के अंदर घुस गया, बट जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ पहुँचा मेरा घर ही पूरा का पूरा उड़ गया था। ओके, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स, तूफान के बाद हमें हमारे गेहूँ के खेतों से कचड़े को क्लियर करना पड़ा, हमारे गेहूं के खेत तबाह हो गए, हमारे चिकन्स, हमारी जो मुर्गियां थी वो मर गईं, कुछ मुर्गियों के तो बाल भी पूरे खराब हो गए, निकल गए, ठीक है। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, एक टॉर्नेडो शेल्टर होता है वो एक रूम होता है जो अंडरग्राउंड एरिया में होता है, मतलब ज़मीन के नीचे उस रूम को बनाया जाता है और ऊपर से दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है ताकि कोई हवा अंदर ना आ सके, कोई भी कचरा अंदर ना आ सके। ओके, अब टॉर्नेडो की बात करते हैं। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारे इंडिया में टॉर्नेडोज नहीं आते हैं जल्दी। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, एक टॉर्नेडो एक डार्क काला बादल होता है, फनल शेप का, फनल मतलब जैसे जो कुप्पी होती है जिससे आप तेल वो करते हैं, ओके, छानते हैं, उसको फनल बोलते हैं, कोन जैसा, ओके। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, ज़्यादातर टॉर्नेडोज जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अ वॉयलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, एक खतरनाक टॉर्नेडो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज जो हैं वो साइक्लोन के अंदर बन सकते हैं, ठीक है, साइक्लोन के अंदर टॉर्नेडोज बन सकते हैं, ठीक है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन्स, इंडिया की पूरी जो कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, वहाँ पर साइक्लोन आते रहते हैं, ओके, पर्टिकुलरली ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर टॉर्नेडोज आते रहते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल, वेस्ट कोस्ट जो होता है इंडिया का वो कम वनरेबल होता है, ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म से, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के टर्म्स में, ठीक है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, अब साइक्लोन के इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, अ साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग डिवाइस, आजकल साइक्लोन को बताने के लिए एक वार्निंग डिवाइस पहले से लगा दी जाती है जो 3-4 दिन 5 दिन पहले वार्न करने लगता है लोगों को, लोगों को ये बताने लगता है कि साइक्लोन आने वाला है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, ये जो वार्निंग सिस्टम होते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसीज को, पोर्ट्स को, फिशरमैन को, शिप्स को, जनरल पब्लिक को वार्निंग देती, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज, साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं, ऐसी जगह बनाई जाती है, ऐसे शरणगाह बनाए जाते हैं जब साइक्लोन आए, जब तूफान आए, जब टॉर्नेडो आए, तो उधर पर ज़मीन के नीचे ऐसी जगह बनाई जाती है कि इंसान ज़मीन के नीचे जा कर के, ऐसे कमरे बनाए जाते हैं वहाँ पर कि इंसान सुरक्षित रह सकता है वहाँ पर, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए जाते हैं जिससे लोगों को सेफ जगहों में भेजा जा सके, ओके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, हमें जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जो वार्निंग दी जाती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ओके। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, हमें पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे हम ज़रूरत का सामान जो है वो एक जगह इकट्ठा कर सकें, उस रूम में इकट्ठा कर सकें जो हमने ज़मीन के नीचे बनाया है, ठीक है, ज़मीन के नीचे बने हुए रूम में हम सामान सारा, हमारे ज़रूरत का पानी, खाना, ओके, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकें ताकि जब साइक्लोन हमारे घर को तबाह करे, अगर करता है, तो हम ज़मीन के नीचे जो हमारा स्टोर रूम बना है वहाँ पर जा कर के उस सामान को यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है। वी शुड
अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, जिस समय साइक्लोन आ रहा हो या आने वाला हो हमें रोड पर गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। एज फ्लड्स मे हैव डैमेज द रोड्स, क्योंकि जो बाढ़ वगैरह आई है उसके कारण रोड डैमेज हो सकती हैं। कीप रेडी द फोर नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स के जो नंबर हैं वो आपको याद होने चाहिए, आपके पास रेडी होने चाहिए। ओके, सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरिया। अगर आप किसी साइक्लोन हिट एरिया में फंस गए हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। अगर साइक्लोन आया है और कहीं पर पानी भरा है तो वो पानी मत पीजिए जो बहुत दिन तक भरा हुआ है। ओके, गंदा पानी मत पीजिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, पीने का पानी हमेशा स्टोर करके रखिए इमरजेंसी के लिए। ओके, डू नॉट टच विट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। गीले स्विचेज और गिरे हुए पावर लाइन्स, मतलब बिजली की तार, खंभे, इनको टच मत करिए। ओके, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, सिर्फ मस्ती मजाक करने के लिए बाहर ना निकलिए घर से। ओके, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। जो टीम, जो मिलिट्री, जो सरकार की सेनाएं आपको बचाने के लिए आई हैं उनसे फालतू की डिमांड ना करें। ओके, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों की मदद करें, कोऑपरेट करें। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्या हेल्प किया है। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आज के दिनों में हम बहुत ही आराम से प्रोटेक्टेड हैं। इन अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी की शुरुआत में कोस्टल रेसिडेंट्स में हैव हैड लेस दैन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम एन ऑनकमिंग साइक्लोन। पुराने दिनों में जब हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी लोग रहते थे, उनके टाइम पे कोई वार्निंग सिस्टम नहीं होता था, ठीक है, वो भाग नहीं पाते थे, वो अपनी जगह खाली नहीं कर पाते थे, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी नहीं चलता था, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, आज की दुनिया जो है बहुत अलग है। आजकल ऐसी ऐसी सेटेलाइट स्पेस में भेज दी गई हैं, ऐसे ऐसे वार्निंग वेदर फोरकास्ट सिस्टम लगा दिए गए हैं कि साइक्लोन अगर 500-600 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, तो पहले से वार्निंग दे दी जाती है कि यहाँ पर साइक्लोन बन रहा है, 4-5 दिन में आप ये एरिया खाली कर दें, तो धीरे धीरे लोगों को वहाँ से निकाल लिया जाता है। ओके, द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू द सैटेलाइट्स एंड रडार्स। अ साइक्लोन अलर्ट एंड साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्निंग। ठीक है, तो आजकल क्या आ गया, साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच आ गया। ओके, जो 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले वार्निंग दे देता है, ठीक है, किसी साइक्लोन के पहले, ठीक है, और एक साइक्लोन वार्निंग जो है वो 24 घंटे पहले दी जाती है कि साइक्लोन बस आने ही वाला है। दिस मैसेज इज़ ब्रॉडकास्टेड एवरी आवर एंड अ हाफ, हर आधे घंटे एक घंटे में इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इस मैसेज को भेजा जाता है। ठीक है, सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। तो जहाँ पर भी साइक्लोन से रिलेटेड तबाही हो रही है, जहाँ पर भी साइक्लोन से रिलेटेड डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है और हमारी विदेश की सरकार है, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं कि जहाँ जिन जिन जगहों पर साइक्लोन आते हैं उन जगहों पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके पहले से लोगों को बताया जा सके। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर। यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनेमोमीटर हमने पढ़ा था कि विंड की स्पीड को बताने के लिए होता है, हवा की रफ्तार को बताने के लिए होता है एनेमोमीटर। ठीक है, साइक्लोन, आपको पता है साइक्लोन क्या होता है, जब थंडर स्टॉर्म बहुत तेज़ी से गोल गोल घूमने लगता है तो वो बन जाता है साइक्लोन। ओके, हरिकेन क्या होता है, साइक्लोन का दूसरा नाम होता है। लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना होता है। ठीक है, बिजली जो गिरती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग। ओके, लो प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर मतलब एयर, हमारे आसपास एयर मौजूद है। ओके, सडनली एयर यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर जब होता है तो आसपास के एरिया से जहाँ पर प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है तो वहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं, उसी को बोलते हैं हवा चलना। ठीक है, मॉनसून विंड्स मतलब क्या होती हैं, बरसात के सीज़न में जो हवाएं चलती हैं जिनमें पानी भरा होता है, ठंडी हवाएं, गीली हवाएं चलती हैं, उनको मॉनसून विंड्स बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एयर का दबाव, हवा का दबाव क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। अगर अर्थ में एयर का प्रेशर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होगा, तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, जब
स्टॉर्म्स यानी तूफान, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं 150, 200, 300 किलोमीटर पर आर, उन हवाओं के साथ साथ बिजली कड़कती है, उसके साथ साथ पानी गिरता है। तो जब बिजली कड़के, पानी गिरे, हवाएं और तेज़ चलें, तो वो बना लेते हैं थंडर स्टॉर्म्स। ठीक है, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जो है वो साइक्लोन का दूसरा नाम है। ओके, तो टॉर्नेडो जो है वो जापान और इस तरफ बोला जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो जो है वो साइक्लोन की तरह ही होता है। टॉर्नेडो क्या होता है, वो अपने अंदर सक करता है चीज़ों को, मतलब आसपास की धूल मिट्टी जो भी चीज़ें हैं आसपास मौजूद हैं, पेड़ पौधे, सबको उखाड़ करके अपने सेंटर की तरफ ला करके उसको वापस बाहर फेंक देता है। ओके, उसको गोल गोल घुमा करके फेंक देता है। तो टॉर्नेडो एक हवा का ऐसा तूफान होता है जो साइक्लोन जैसा ही होता है, लेकिन उसका काम क्या होता है, वो चीज़ों को ले करके फेंक देता है। ओके, बहुत तेज़ी से। तो ये हो गया टॉर्नेडो। टाइफून क्या होता है, टाइफून साइक्लोन का दूसरा नाम है, जो जापान और फिलीपींस वगैरह उस तरफ बोला जाता है। ठीक है, विंड फ्लो पैटर्न मतलब हवा के फ्लो होने का पैटर्न, हवा किस तरफ फ्लो होती है। जैसे दिन के टाइम पर समुद्र से लैंड की तरफ हवा फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, और रात में लैंड से समुद्र की तरफ होती है हवा। ओके, मतलब दिन में हवा कहाँ से कहाँ जाती है, समुद्र से ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ। ओके, और रात में ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा जाती है। ठीक है, तो दिन में क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, और रात में उस हवा को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आए प्लीज़ डाउट सेक्शन में पूछ लिया करिए। ओके, और जैसा कि मुझे पता है कि आप सभी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैप्टर के बीच से रीडिंग करिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही हैं, उसके साथ साथ में आपको चैप्टर के बीच में रीडिंग लगानी, जो भी डेफिनेशन चैप्टर के बीच में लिखी हुई हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में वो उन्हीं से पूछूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।